अत्याचार निरोधक कानून पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जो इन वर्गों की प्रतिक्रिया और आक्रोश निर्मित हुआ है, क्या यह उचित था? क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संसद को बदलना चाहिए था? सवर्ण और अनुसूचित समाज में जो खाई निर्माण हो गई है, क्या वह ठीक है और यह कैसे दूर होगी? स्वाभाविक अपने सामाजिक पिछड़ेपन के कारण और अपने जातिगत अहंकार के कारण एक अत्याचार की परिस्थिति तो है। उस परिस्थिति से निपटने के लिए अत्याचार विरोधी कानून बना, वो ठीक से लागू होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें हैं, वो ठीक से लागू नहीं होता ये भी है, दुरुपयोग होता है ये भी है। और इसलिए संघ मानता है उस कानून को ठीक से लागू करना चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे, ये केवल कानून से नहीं होता है। समाज के सद्भाव, समाज की समरसता की भावना इसमें काम करती है। क्यों, आज के युग में शिक्षा का इतना प्रसार होने के बाद भी आपको देखने के बाद मेरे मन में पहला प्रश्न आता है कि आप कौन है? मैंने नाम वाम मालूम है लेकिन आप कहां से आते हैं, ये क्यों आता है मेरे मन में? और अत्याचार अत्याचार है, वो इस पर हुआ इसलिए जायज है, उस पर हुआ इसलिए ना जायज, ऐसे नहीं हो सकता। तो यह सद्भावना जागृत करने की बहुत आवश्यकता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सरकार ने क्या किया इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। संघ की इच्छा यह है कि कानून का संरक्षण रहे, उसका दुरुपयोग न हो और इस समस्या को समाज में आपसी सद्भाव बढ़ाकर ठीक करना चाहिए। कानून कुछ करे ना करे, कोई अस्पृश्यता कानून से नहीं आई किसी सरकार के, वो समाज की रूढ़ी के कारण आई है, शास्त्रों से भी नहीं आई है, वो हमारी दुर्भावना के कारण आई है। तो हमारी सद्भावना ही उसका प्रतिकार कर सकेगी। उस सद्भावना को बढ़ाने के काम स्वयंसेवकों ने चलाए है, समरसता मंच के रूप में स्वयंसेवक काम करते हैं, सद्भावना बैठकें चलाकर इन सारी बातों को ठीक करने का उनका प्रयास रहता है।